रात 11 बजे एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 18 साल के करीब थी, गांवों के पास लगने वाले खेतों से बेहद तेज रफ्तार से भागता हुआ गांवों के दूसरे छोर की तरफ आ रहा था। गांवों के अंदर प्रवेश करते ही गांव के कुत्ते उसके पीछे भौंकते हुए पड़ गए, पर उसकी रफ्तार को कुत्ते पकड़ तक नहीं पाए। वो गांव के टेढ़े मेढ़े रास्तों से अपनी तूफानी रफ्तार में सीधा घर के आंगन में आ पहुंचा और साइड से छत पर जाती सीढ़ियों पर चढ़कर सीधा कमरे में प्रवेश कर गया और दरवाजा टाइट बंद कर लिया था। और उस लड़के के इस तरीके से कमरे के अंदर प्रवेश करने के कारण कमरे में एक तरफ पड़ रहा लड़का हड़बड़ी में आ गया था और अपनी चेयर से पीछे को लड़क गया था। अबे तुझे क्या हुआ, ये कौन सा तरीका है आने का? मुझे तो डरा दिया तूने शंकर, और अपनी हड़बड़ाहट को थोड़ा शांत करना है। जो लड़का बाहर से भाग कर आ रहा था उसका नाम शंकर था और वो यहां अपने दोस्त सूरज भान के साथ पढ़ाई करने के इरादे से आया था, पर जाने उसे रास्ते में ऐसा क्या हो गया कि उसे बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़नी पड़ी अपने दोस्त के यहां आने के लिए। सूरज भान खड़े होते हुए अपनी कुर्सी को उठाकर अपनी जगह पर रखता है और दरवाजे पर पीठ लगाए शंकर अपनी बढ़ चुकी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। सूरज भान, अबे ये कौन सा तरीका है तेरा आने का, अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता, और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर ध्यान से शंकर के चेहरे की तरफ देखने लगता है। क्या हुआ, इसे दरवाजे से चिपक कर क्यों खड़ा है, कोई पीछा कर रहा है क्या तेरा? और अब वो भी शंकर की हालत देखकर थोड़ा सा अजीब फील कर रहा था। शंकर उसकी बात सुनकर दरवाजे से हटता है और वहां लगे पलंग पर आराम से लेट जाता है। अबे सोने के लिए आया है क्या, अपने घर पर ही सो जाता, तुझे देखकर मुझे भी नींद आने लग जाएगी, 8 दिन बाद फिजिक्स का पेपर है, तैयारी कर ले बैठकर। शंकर उसकी तरफ अपना हाथ हिलाकर उसे चुप रहने के लिए बोलता है, फिर आंख बंद कर लेता है। पर उसके ऐसा करते ही अगले ही पल जाने उसे क्या हुआ और वो एकदम से आंख खोलकर भयभीत हो जाता है और बिस्तर पर बैठ जाता है। सूरज भान अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास आते हुए, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसके चेहरे के डर को समझने की कोशिश करने लगता है। शंकर, यार मैं अभी एक चीज देखकर आ रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा कि वो था क्या। और उसके चेहरे पर फिर से उसके बारे में सोचते हुए घबराहट चरम पर आ गई थी, उसके बदन में झुरझुरी सी हो गई थी। सूरज भान, अरे क्या हुआ, ये तो बता, तू ऐसे घबरा क्यों रहा है जैसे तेरे पीछे कोई शैतान आ गया हो? शंकर, भाई शैतान ही था, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूं, वरना आज तो खेल खत्म था। सूरज भान, क्या बकवास कर रहा है मुझे डराने के लिए, आज के समय में शैतान होते हैं क्या? पढ़ाई तो साइंस की कर रहा है, फैला अंधविश्वास रहा है, और उसे गांव के अंदाज में हड़काने लगता है। शंकर उसकी बात का कुछ जवाब देता तभी दरवाजे पर आवाज होती है, सूरज भान दरवाजा खोलो। सूरज भान आगे बढ़कर दरवाजा खोल देता है। जी पिताजी। सत्यवान, कौन आया तुम्हारे कमरे में ऐसे आंधी की तरह, बाहर का दरवाजा भी पूरा हिलाकर रख दिया है, कहीं कोई गुंडा मवाली तो नहीं आ गया? अरे नहीं पिताजी, मेरा दोस्त है शंकर। सत्यभान अंदर चले आते हैं। क्यों रे शंकर, ये कौन सा तरीका तेरा आने का, कम से कम दरवाजा तो बंद करते आते आंगन का। नमस्ते अंकल जी, बस थोड़ा जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा, अब से बंद कर दिया करूंगा। ठीक है, और तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? पिताजी ये दौड़ता दौड़ता यहां आया ना, इसीलिए। और ये कहकर सत्यभान हौले से मुस्कुराता है। सत्यभान शंकर की तरफ देखते हैं, तो इतनी रात 11 बजे आने की क्या जरूरत थी, 9 बजे तक आ जाया करो, वैसे भी तुम्हारा घर गांव के दूसरे छोर पर है और तुम्हारे रास्ते में काफी जगह सुनसान पड़ती है। जी अंकल जी, आइंदा ध्यान रखूंगा, वैसे मेरा आ जाने का मूड नहीं था, पर फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो सोचा कि यहां आ जाता हूं, तभी इतनी रात को घर से निकल पड़ा। चलो कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई करो, मैं भी चलता हूं। ये कहकर सत्यभान अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। शंकर का दिमाग अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा था बातचीत करके, और वो उठकर टेबल के पास लगी चेयर में बैठ जाता है। सूरज भान दरवाजा बंद करता है, अपने दोस्त शंकर के बराबर में आकर बैठ जाता है। अच्छा अब बता क्या हुआ था, तू किसी शैतान की बात कर रहा था? शंकर सूरज भान की बात सुनता है
फिर कुछ सोचते हुए हौले से मुस्कुरा देता है। सूरज भान, अब क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रहा है? शंकर, कुछ नहीं यार, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझे लगा तुझे डराना चाहिए, पर तू तो बिल्कुल भी नहीं डरा, खाली बकवास कर रहा था। मैं जानता था, चल पढ़ाई कर ले भाई। और दोनों पढ़ाई करने लग जाते हैं। शंकर की आंखें किताब में लगी हुई थी, पर ध्यान अभी भी किसी और चीज पर ही था। मन ही मन में कहता है, इस बारे में सूरज को बताकर उसे मैं और टेंशन नहीं दे सकता। एग्जाम सिर पर है, ऐसे में उसका ध्यान पढ़ाई से भंग हो जाएगा, और फिर वो अपने आप को भी पढ़ाई में व्यस्त कर लेता है। जबकि इस वक्त बाहर, काम से बाहर, जहां से जंगल का एरिया शुरू हो जाता था, बस इसी सीमा पर विशाल बरगद का पेड़, जिसे दिन में भी देखते हुए डर का अनुभव होता था, और इतनी रात के वक्त बरगद की जड़ें जो हवा में झूल रही थी, और पता नहीं कौन उन पर लटक कर झूल रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी जड़ें हवा में इधर उधर झूल रही थी। बरगद के एक ऊंचे तने पर इस वक्त एक तांत्रिक बैठा हुआ अपनी तांत्रिक विद्या का जाप करने में लगा हुआ था। उसके शरीर से रह रहकर प्रकाश का एक झोंका निकलकर वातावरण में विलीन हो रहा था, और उसी विशाल शाखा पर एक तरफ बैठे एक अन्य तांत्रिक ने हाथों में मोर पंख का झाड़ू पकड़ा हुआ था, और एक खोपड़ी के ऊपर उसे मारते हुए मंत्रों का जाप कर रहा था। तांत्रिक गुरु विशंभर को भी जाने क्या सूझी है यहां आने की, इतनी दूर हिमालय से चलकर यहां तपस्या करने आ पहुंचे। आखिर क्या है इस जगह पर ऐसा जो गुरु को दिख रहा है, मुझे नहीं। और फिर उसका ध्यान नीचे जाता है, जहां बरगद के तने से निकली हुई जड़ें हवा में झूल रही थी। ये सब जड़ें अपने आप कैसे हिल रही हैं? हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही, पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा। इसका मतलब कुछ तो है यहां, जिसका आभास सिर्फ गुरुजी को है। और फिर समय ऐसे ही बीतता चला गया। सुबह के लगभग 4 बजे तांत्रिक विशंभर ने अपनी साधना पूरी की, फिर उनकी आंखें खुल रही थी। और फिर तांत्रिक विशंभर शाखा में नीचे की तरफ बैठे अपने शिष्य की तरफ देखते हैं, जो आराम से सोया हुआ था। तांत्रिक विशंभर, रो कामरा, उठ जा, और थोड़ा सा अपनी आवाज में गुस्सा ले आते। कामरा अपने गुरु की आवाज सुनकर एकदम से उठ जाता है, और हड़बड़ी में फिर से अपने सामने रखी खोपड़ी के ऊपर मोर पंख के झाड़ू को मारने लगता है, और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। तांत्रिक विशंभर, अब बंद कर, सुबह होने वाली है, तुझे एक काम बताओ, वो भी तो ठीक से नहीं करता। अगर ऐसे ही करता रहा तो तुझे चमगादड़ बनाकर यहीं पेड़ पर लटका दूंगा। सुधर रहना फिर आराम से, भाई तेरी बात समझ में। शिष्य कामरा, जी 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 गुरुदेव, मैं समझ गया, पता नहीं कैसे आंख लग गई गुरुजी। तांत्रिक विशंभर, चल अब नीचे उतर, इस गांव के शमशान में जाकर डेरा जमाना होगा, हमें अपने बाकी के दिन वहीं गुजारने। और फिर दोनों उस विशाल बरगद के पेड़ से नीचे उतरकर गांव के एक तरफ बने शमशान घाट की तरफ चले गए। सुबह के हल्के उजाले से पूर्व ही गांव के लोग अपने कार्यों में व्यस्त होते जा रहे थे। सूरज भान के घर में भी चहल पहल शुरू हो रही थी, पशुओं की सेवा पानी में लग गए थे। शंकर उठकर बाहर आ गया था, पर दरवाजे से कदम बाहर रखते ही जाने क्यों वो फिर से घबराने लगा, और अपने आप को गहरे अंधकार में महसूस करने लगा। शंकर, ये क्या हो रहा है, अपने मस्तिष्क से रात के दृश्यों को क्यों नहीं हटा पा रहा हूं, जबकि अब तो सूरज भी उदय होने वाला है। और फिर आंगन में पशुओं को चारा डाल रही सूरज भान की बहन प्रिया की तरफ देखता है। शंकर सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया, और प्रिया क्या कर रही हो? प्रिया उसकी आवाज सुनकर तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखती है। 11 बजे शब्दों में, जिसकी उम्र लगभग 18 साल के करीब, मैं क्या कर रही हूँ? गांवों के पास लगने वाले खेतों से बेहद तेज रफ्तार से भागता हुआ गांवों के दूसरे छोर की तरफ आ रहा था। गांवों के अंदर प्रवेश करते ही गांव के कुत्ते उसके पीछे भौंकते हुए पड़ गए, पर उसकी रफ्तार को कुत्ते पकड़ तक नहीं पाए। वो गांव के टेढ़े मेढ़े रास्तों से अपनी तूफानी रफ्तार में सीधा घर के आंगन में आ पहुंचा, और साइड से छत पर जाती सीढ़ियों पर चढ़कर सीधा कमरे में प्रवेश कर गया, और दरवाजा टाइट बंद कर लिया था। और उस लड़के के इस तरीके से कमरे के अंदर प्रवेश करने के कारण
कमरे में एक तरफ पड़ रहा लड़का हड़बड़ी में आ गया था और अपनी चेयर से पीछे को लड़क गया था। अबे तुझे क्या हुआ? ये कौन सा तरीका आने का? मुझे तो डरा दिया तूने।